किस्मत में को यही लिखा हुआ था, किस्मत में ही मेरी, लेकिन भगवान की दुआ और आप सभी लोगों ने एक अच्छी प्रेयर की तो अभी मैं थोड़ा ठीक और बेटर फील कर रहा हूँ, लेकिन उतना नहीं फील कर रहा हूँ अभी भी, बहुत ज़्यादा जलन है। वो काली मिर्च वगैरह खिलाई हुई थी जो उन्होंने, बाकी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट भी चला हुआ है, उन्होंने इंजेक्शन। हाय एवरीवन, अ वेरी गुड एंड फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और पिछले कल हम आप सभी लोगों के लिए ब्लॉग नहीं लेकर आ पाए थे, तो उसके लिए सॉरी फील करते हैं। और बैडिंग का रह गया था लास्ट पार्ट, तो इसको आज हम शेयर करेंगे, तो यूँ ही कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे आज के ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊँ, आज हो रहा है बारात का डिपार्चर और जा रहे हैं दूल्हे पक्ष वाले दुल्हन को लाने के लिए। यहाँ पर बैंड बाजा बारात डिपार्चर हो गया है दुल्हन को लाने के लिए, और बारात में बड़े लोगों से लेकर छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हाँ, तू लगे खरा पूरे बारात में भाई सबसे बढ़िया, जा। बारात पहुंच चुकी है मंदिर में, और इस मंदिर को हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में। ये मंदिर हमारे घर से काफी नजदीक है और माता नैना देवी जी का मंदिर है ये। हमारे हिंदू समाज के जो भी रिचुअल्स हैं और शादी के लिए विशेष जो रस्में होती हैं वो यहीं पर ही निभाई जाएगी मंदिर के अंदर ही, तो यहीं पर ही सात फेरे होंगे। तो कंटिन्यू बने रहिए और एंजॉय कीजिए, वेडिंग का ये लास्ट पार्ट है और काफ़ी अच्छे से मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सभी लोगों के साथ। दूल्हे और दुल्हन की फर्स्ट लुक भी इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी काफ़ी वेट किया होगा दुल्हन और दूल्हे दोनों को एक साथ देखने में। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली जो क्लिप्स बनाए हुए हैं ये पतिदेव ने बनाए हुए हैं, और ये वीडियो हमने आपके साथ पहले शेयर करना था। तो ये वीडियो हम उस दिन बना रहे थे जिस दिन पतिदेव को स्टाम्प ने काटा हुआ था, तो वो सुबह बना रहे थे ब्लॉग। फिर हम लोगों ने सोचा कि पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी देर बाद हम ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन अचानक से वो सब हो गया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी और सोचा भी नहीं था कि पतिदेव को शाम काट लेगा। तो बहुत बुरा दिन था वो भी, लेकिन यहाँ एक खुशी का दिन भी था। तो यहाँ पे दोनों की शादी हो गई है और मंदिर में ही दोनों की शादी हुई है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं इनको ब्लेसिंग दें। पूरे विधि विधान और रीति रिवाज के साथ ये शादी संपन्न हुई। आप सबके मन में ख्याल आ रहा होगा कि शादी मंदिर में ही क्यों करवाई गई, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो परिवार है बहुत ही गरीब घराने से हैं,
तो जितना इनसे हो पाया इन्होंने उससे ज़्यादा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश हैं और इन्होंने अपनी तरफ से धूमधाम से ये शादी करवाई और हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि दोनों की शादी अच्छे तरीके से हो गई और अच्छा कार्यभार सभी ने किया यहाँ पे। इससे पहले जो भी हमने क्लिप्स डाले हुए थे उसमें हमने दुल्हन को नहीं दिखाया था, लेकिन आज हमने आपको इस वीडियो में दुल्हन को भी दिखा दिया है। और ये सभी लड़के और लड़की वालों की तरफ से हैं, मिक्स हैं यहाँ पे सभी लोग, तो सभी लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और खुश होना भी क्यों नहीं है, क्योंकि दुल्हन की विदाई का टाइम आ गया है और उसको पहुंचाना है अब उसके ससुराल। तो यहाँ पे देख लीजिए डोली बिल्कुल तैयार है। तो ये था शादी का लास्ट पार्ट। दुल्हन अपने ससुराल पहुंच गई है और ससुराल में उसका जोरदार स्वागत हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और हमारे हिमाचल में इसी तरह से शादियाँ की जाती है और इसी तरह से रीति रिवाज होते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग बताना ज़रूर। तो आज है बहुत ही स्पेशल दिन, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, तो आज है मदर्स डे। तो सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ के साथ एक बात मुझे और शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, क्योंकि आप सभी के मन में बात चल रही होगी कि बानी के पापा की तबीयत कैसी है। तो अब उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार है, लेकिन थोड़ी बहुत कमजोरी तो उनके मन अंदर है ही है। तो अभी उनको ठीक होने में पूरा ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे भी। तो ये देख लीजिए, मिल लीजिए पतिदेव से। हाय एवरीवन, तो
एकदम से ये अचानक एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि आप लोगों ने मेरी बहन सिस्टर बन्ना के उस चैनल के ऊपर भी देखा होगा, और अभी भी मेरे से मतलब ढंग से बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि जो हमारा देसी इलाज होता है उसमें काली मिर्च और कुछ होता है जो जंगलों में मिलती है दवाई, तो उसका घोल पिलाते पिलाते कम से कम आधी बाल्टी उन्होंने मेरे को पिला दी, और जब जैसे मेरे को वॉमिटिंग वहाँ पर स्टार्ट हुई तो तकरीबन मतलब 2.5 घंटे तक वॉमिटिंग मेरे को लगी रही वहाँ पर, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली लगी रही लेकिन बीच बीच में आती रही, और उससे मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। लेकिन हमने ये किया कि जैसे बोलते हैं हमारे गाँव में भी बुजुर्ग वगैरह भी और जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने बोला कि आप लोगों ने अच्छा काम किया कि आपने दोनों साइड की दवाई मतलब अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, तो अब उतना डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन तब भी अभी मैं अंडर ट्रीटमेंट ही चल रहा हूँ, और एक हफ्ते का ट्रीटमेंट बताया हुआ है मुझे, और खाने के लिए मुझे खाना पीना तो देखिए बंद ही है, ओनली चावल बोला हुआ है और दही के साथ खाने हैं, ना मैं नमक वाली चीज़ें खा सकता हूँ कोई भी, ना ही तो स्वीट मीठी चीज़ खा सकता हूँ। तो आप क्या बताएं, मतलब अब इतने ज़्यादा डेज हो गए थे आप लोग, उससे भी लोगों के सामने ही मैं काम करने के लिए जाता था नीचे खेतों में भी एवरीथिंग, अब इतनी एज तक तो मतलब हुआ नहीं ये, अब फर्स्ट टाइम ही हुआ तो क्या बोल सकते हैं। और कुछ लोग मतलब गांव में वो बोल रहे थे ऐसे कि भी अपनी सेफ्टी मतलब आपको शूज़ वगैरह डाल के जाना चाहिए था, हाँ आज तक तो मैं सच्चे में बताऊँ शूज़ डाल कर तो मैं जाता हूँ जब हम बिजाई करते हैं मतलब, और अभी जैसे गेहूँ वगैरह काटी हुई है तो उसके रह जाता है पार्ट, तो बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में होता है और पाँव में लगने की बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो मैं सिर्फ ओनली उस टाइम पे जाता था शूज़ डाल के, बाकी आज कुछ गर्मियाँ हैं तो तब जाके मतलब शॉर्ट में गया हुआ था, तो क्या बोल सकते हैं, शायद किस्मत में कोई ही लिखा हुआ था किस्मत में ही मेरी, लेकिन भगवान की दुआ और आप सभी लोगों ने एक अच्छी प्रेयर की तो अभी मैं थोड़ा ठीक और बेटर फील कर रहा हूँ, लेकिन उतना नहीं फील कर रहा हूँ, अभी भी बहुत ज़्यादा जलन है, वो काली मिर्च वगैरह खिलाई थी उन्होंने, बाकी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट भी चला हुआ है, उन्होंने इंजेक्शन लगाया था एंटीजन का, टीटी का भी लगाया हुआ था, बाकी जो स्नेक जब काटते हैं उस इंजेक्शन को लगाया हुआ था, और दवाइयाँ वगैरह दी हुई है कुछ, उनका मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ।